नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अतिश में। दोस्तों, जो माइनेड है बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है और आप अपना ऐप ओपन करके देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, माइनेड का लेटेस्ट वर्जन आ गया है, आप अपने ऐप को अपडेट कर लीजिए। मैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ नई फीचर ऐड हुआ है मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो माइनेड है इसमें नित अपडेशन का कार्य हो रहा है और नए नए अपडेट होते जा रहे हैं और आने वाले समय में माइनेड एकदम कंप्लीट और ज़बरदस्त ऐप होने वाला है। तो दोस्तों, अभी आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो मोबाइल रिचार्ज या बिजली बिल ये सब चीज़ें देख रहे हैं आप, मैं आपको एक एक पर अभी आपको क्लिक करके दिखाता हूँ क्या क्या अपडेट हुआ है। आप देख रहे हैं दोस्तों, यह प्रोफाइल डिटेल यहाँ पर आपका दिख रहा है, ऊपर नाम और मोबाइल नंबर आपका दिख रहा है, फिर कंट्री में इंडिया दिख रही है, आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करना है, एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करना है और मंडल आने ब्लॉक आपका जो विकास खंड होता है उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों, आपका यहाँ पर देखेंगे कि एंटर पंचायत सिटी आने आपका जो पंचायत है, न्याय जो आपके पंचायत है उसे डालना है। पंचायत का मतलब जो ग्राम पंचायत यानी आपके विलेज का नाम डालना है, क्योंकि विलेज और जो विलेज ग्राम पंचायत होती है और ग्राम, इसमें दो चीज़ें अलग होती हैं। कोई कोई गांव बड़ा होता है तो वह ग्राम पंचायत होता है जहां पर जो उसका प्रधान या मुखिया चुना जाता है, और उसमें कुछ छोटे 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 गांव होते हैं उसको मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो आपका ग्राम पंचायत है उसका नाम डालना है। एंटर वर्ड यहाँ पर स्ट्रीट डालना है और यहाँ पर विलेज डालना है और यहाँ पर एंटर पिन कोड डालना है, फिर यहाँ पर जेंडर डालना है, उसके बाद आपको एज डालनी है, यहाँ पर आपको एज डालनी है और यहाँ पर आपको ऑफ डाटा आप ये सब चीज़ें डालनी है, यहाँ पर आपका एजुकेशन डालना है, आपकी ऑक्यूपेशन डालनी है, आपका कास्ट डालना है, आपका रिलीजन डालना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड डालना है, पैन कार्ड डालना है। वंस डिटेल सबमिटेड कैन नॉट बी एडिट, अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो उसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर पूरी तरह से सावधानी पूर्वक आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल एडिट करनी है। आप अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह से सही सही अपडेट करेंगे, एक बार अगर आपने गलती की तो यहाँ पर सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर साफ साफ डायरेक्शन लिखा हुआ है कि वंस डिटेल्स सबमिटेड कैन नॉट बी एडिट, एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आपको सावधानी पूर्वक आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में बहुत से लोगों ने बहुत सी गलतियां कर रखी हैं, कहीं अपने आईडी पर अपनी बीबी का अकाउंट लगा दिए हैं, तो कहीं अपने बच्चे के अकाउंट पर अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लगा दिए हैं, तो ये गलतियां यहां पर नहीं करनी है। आपको सावधानी पूर्वक देखता कर रीचेक क्रॉस चेक करके कई बार चेक करके आपको ये सबमिट करना है, और एक बार सबमिट करेंगे तो आपको तभी आप मोबाइल रिचार्ज या और सर्विस यूज कर पाएंगे। जब तक प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी सर्विस यूज नहीं कर पाएंगे। आपने देखा यहाँ से चेक करते हुए जा रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रिलीजन, कास्ट, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, सन, फादर नेम,
डाटा रैम ए सन ऑफ, एज यहाँ पर डालनी है, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना पिन कोड डालना है, विलेज नेम डालना है, स्ट्रीट यानी गली डालनी है आपका, एंटर वर्ड डालना है, और यहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत डालनी है, यहाँ पर आपको विकास खंड डालना है, यहाँ पर आपकी जो एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो आपका संसदीय क्षेत्र है वो डालना है, और यहाँ पर आपको अपना एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी डालनी है। तो दोस्तों यह बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सब पूरा स्टेट आपको आ जाएगा। और मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ही मैंने स्टेट सेलेक्ट किया, अब यहाँ से मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आप भर के फिर नीचे सबमिट की बटन, अपडेट का बटन यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर आप अपडेट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप ऊपर से भरते हुए आएंगे, फिर नीचे से चेक करते हुए ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे चेक करते हुए आके अपडेट कर देंगे, और आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। आप देख रहे थे कई दिनों से प्रोफाइल अपडेट का वहाँ ऑप्शन आया था, हम प्रोफाइल अपडेट कर रहे थे, नहीं हो रहा था, तो यही कारण था कि उसमें यह सारी चीज़ें आपको विधिवत से देने के लिए ऑप्शन आ रहा था, और यह आ गया है। अब दोस्तों जैसे ही मैंने मोबाइल रिचार्ज मोबाइल पर क्लिक किया, ये ऑप्शन आ गया, मैं डीटीएच पर रिचार्ज डीटीएच पर क्लिक करके देखता हूँ, आप देख रहे हैं डीटीएच पर भी वही सेम चीज़ें आपको शो कर रही है, यानी मतलब कि आप जब तक अपनी प्रोफाइल को अपडेट नहीं करेंगे आप कोई भी सर्विस यूज नहीं कर पाएंगे। और भी चीज़ों को मैं क्लिक करके देखता हूँ दोस्तों, फास्टैग पर मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं फास्टैग पर भी क्लिक करने के बाद सेम चीज़ें आपको आ रही हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रिचार्ज सर्विस है, ये जो रिचार्ज सर्विस है आप इसे तभी यूज कर सकते हैं जब तक कि अपनी प्रोफाइल को अपडेट नहीं करेंगे, तब तक आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी की बात, आप देख रहे हैं यहाँ पर एड्स का ऑप्शन आ गया है दोस्तों, ये बहुत ही धमाकेदार न्यूज है कि वो फैमिली के लिए, आप देखिए यहाँ पर एड्स का ऑप्शन आ गया है, यह बहुत ही धमाकेदार न्यूज है कि वो फैमिली के लिए, और अब लगता है कि यहाँ से जो इनकम का सूखा था वह सूखा समाप्त होने वाला है और इनकम की बारिश होने वाली है। अभी मैं इस एड्स पर क्लिक करके देखता हूँ दोस्तों, अभी डाटा नो अवेलेबल, तो दोस्तों यह बहुत ही जल्द यहाँ पर डाटा आने वाला है, और आप यहाँ से ऐड देखकर इनकम कर सकते हैं दोस्तों। आने वाले समय में यहाँ से बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और आपको ज़बरदस्त इनकम होने वाली है दोस्तों, तो यह कीबो फैमिली के लिए बहुत ही धमाकेदार और एक्साइटिंग न्यूज है, एग्रेसिव न्यूज़ है दोस्तों। तो दोस्तों यह बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, आप प्रोफाइल पर क्लिक करके मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या चीज़ दिखा रहा है, प्रोफाइल अपडेट हो रही है या नहीं हो रही है। अब देखिए दोस्तों माई एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद भी सेम चीज़ें यहाँ पर दिखा रही है, यानी आपने एक बार अपनी प्रोफाइल अपडेट कर दी तो उसके बाद आप मोबाइल रिचार्ज डीटीएच रिचार्ज और फास्टैग रिचार्ज शुरू कर सकते हैं, तो यह कीबो फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है दोस्तों, और आप इसे अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों तभी आप इस सर्विस को यूज कर पाएंगे। वेट करिए, और जैसे ही यहाँ पर सारी चीज़ें होने लगती है आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय की वो, जय माई नीड।